बाइक लिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे चहल पैलेस क्या है, तो इसको एक्सप्लोर करूँगा। और अब चल पड़े हैं चहल पैलेस के लिए, यहाँ से इसकी एंट्री होगी सामने से। बड़ी जगह है, अबे भाई टिकट होगी ना चहल पैलेस के लिए। कैश होगा, कैश टिकट क्या रुपये चाहिए? 600 है। 500 क्या करा लो, करते हैं ले, दिक्कत होगी। है मेरे यार, ये तो पंगा हो गया। 100 रुपये करवा लो ना ट्रांजेक्शन। एटीएम तो नहीं ना, मैं फोन लेकर आया, दिक्कत मार्केट में करना। यहाँ पे भाई पंगा हो गया। 100 रुपये हमारे पास उसमें है, लेकिन इनको कैश चाहिए। लो, 3 बंदे गए थे एंट्री। चलो भाई, इन्होंने फिर भी हमें थोड़ी बहुत धन्यवाद अंकल जी, इन्होंने हमें छूट दे दी भाई की। और अब चलो, ये भाई अभी थोड़ी और ऊपर जाना पड़ेगा हमें पैलेस के लिए। ऊपर जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको पैलेस, एक्सप्लोर करता हूँ मैं जैसा भी है आपको इस वीडियो के अंदर। ये बच्चों के लिए पार्क है, यहाँ पे ये छोटे मोटे बच्चों के लिए पार्क बना रखा है। आज भाई हमारे पास बाइक की जगह सॉरी स्कूटी की जगह बाइक है। आगे से शायद यही है, रोक दे भाई इसको, देखो गाड़ी खड़ी आगे लगा दे। ये क्या प्लान है ऐसी बात हुई? चप्पल पैर नहीं थी, ये क्या पैर कहा गया? ये कर दे भाई बाइक, इसने साइड में पार्किंग में खड़ी। और ये दिखाते हैं ये चहल पैलेस, देखो भाई यहाँ पे ये है इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी इसके। अब होगी भाई चहल पैलेस के अंदर एंट्री। ये भाई पैलेस के अंदर आगे ये भाई पैलेस के अंदर रखे हैं इनके सामान वगैरह। छोटा सा है पैलेस, मैं तो सोच रहा था भाई बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसा है जो भी है आपके सामने, ये इनके क्लोथ्स वगैरह है यहाँ पर। ये भी सोफे वगैरह रख रखे हैं इनके, और ये म्यूजिक सिस्टम रख रखा हुआ है इनका यहाँ पे। यहाँ पे वही ये राजा वगैरह इंट्रोडक्शन है। Thank you.
ये भूपेंद्र सिंह पटियाला की बायोग्राफी है भाई। यहाँ पे निका मैलोनी गए सारे आज, ये उसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने होटल वगैरह में। ने ये दीवार पर ये बना रखी हुई कितनी प्यारी लग रही है। बस ये था भाई, यहाँ पे तो जो इनके सामान वगैरह रखे हैं छोटे मोटे जैसे भी है, इसके बाद तो ये होटल वगैरह मैं कन्वर्ट कर रखा है। और दिखाता हूँ आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा, पार्क वगैरह कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं सब। बस ये था भाई, मैं तो सोच रहा था यहाँ पे बहुत कुछ पुराना देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत ही था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया। पार्क है भाई यहाँ पे, पार्क ये भाई कुल मिला एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि उनका महल था पहले, अब इनको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और कुछ नहीं है। ये राजकुमार का कमरा था यहाँ पे, लेकिन है सही है जगह घूमने की। यहाँ पे कमरे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा महल है वैसे, लेकिन सब कुछ बंद कर रखे हैं उन्होंने, ताले लगा रखे हैं। दीवान 217 नंबर कमरा दीवान का। अब चलते हैं बाहर की तरफ वापस, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा घूमने कुछ खास मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पे कमरे हैं तो उसके अंदर कुछ दिखाने का तो तब सवाल पैदा होता जब कुछ ताले खुले हुए थे, सब बंद पड़े हैं। थोड़ा बहुत सामान जो बाहर रखा हुआ जो मैंने दिखाया है, और अब बस यही है। कमरे बहुत ज़्यादा है कुल मिला के इसमें, और इसमें कुछ खास गैज मेरे को दिखाई नहीं। यहाँ पे पेंटिंग है इनकी अंग्रेजा ने। यहाँ पे भाई ये रॉयल बीयर बार बना रखा है, और ये लॉन्ज मैं वापस वहीं पे आ गया क्या। हाँ वैसे घूम रहे हैं यहाँ बार पार्क में, और आपको दिखाता हूँ बहुत शानदार पेड़ है यहाँ पे, इतना अच्छा है देखो भाई, इतना विशाल का पेड़ है भाई। ये शायद मेरे को लग रहा राजा महाराजा के टाइम का पेड़ है। ये यहाँ पे भाई लकड़ी का रास्ता बनाया हुआ है नीचे उतरने के लिए, इस पे मैं उतर सकता हूँ। देखो भाई टूटा हुआ है फिलहाल तो ये, तो भी अभी छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, और लोग इसको यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। पता नहीं क्या देखने के लिए आते हैं, मेरे को तो इसके अंदर समझ नहीं आया। सो गाइस ये था
चहल पैलेस जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया है। सो गाइज एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं यहाँ पे, कभी बिल्कुल मत आना भाई, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम आए और हमारा 400 रुपया नुकसान है समझो, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला ही नहीं, ठीक है? तो गाइज यहीं पर मैं अपनी इस वीडियो का एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।